हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्पेशली फॉर द अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, जो एवरी एमए प्रोग्राम, जो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम होते हैं, एमए प्रोग्राम, उसमें पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो भी मेरे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है तो वो हुआ है डेवलपमेंट स्टडीज़ में। तो डेवलपमेंट स्टडीज़ में अच्छा कंपटीशन होने वाला है इस बार, क्योंकि सारे स्टूडेंट फर्स्ट प्रेफरेंस डेवलपमेंट स्टडीज़ में अप्लाई किए थे, और फर्स्ट प्रेफरेंस में डेवलपमेंट स्टडीज़ में बहुत ही स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हैं। तो डेवलपमेंट स्टडीज़ में आप अच्छे से प्रिपेयर करना, ताकि आपको एडमिशन मिल जाए। तो ये क्वेश्चन पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशर डालेंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में इतने प्रेशर डालते हैं कि आप डर जाते हो, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इजी वे में पूछते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप पहले ही जाओगे, एंटर करोगे, तो आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले मैं बता दूँ, आपका ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, और ऐसे तो ऐसे राइटिंग भी नहीं होता, क्योंकि आपने पहले ही ऐसे लिख चुके हो। आप जब एग्ज़ाम देने गए थे APU नेट, तभी आपको एक ऐसे लिखा दिया गया होगा, वो उनके पास रहता है, जो आप लिखे हो वो पढ़ते हैं, फिर आपको बुलाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, केवल इंटरव्यू होगा आप जाओगे तो। तो पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्वेश्चन करते हैं। तो आपको सब कुछ बताना है, आपका क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, और भी जो भी आप बोलना चाहो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, तो आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट, व्हाई यू वांट टू परस्यू दिस एमए प्रोग्राम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों आप ये प्रोग्राम करना चाहते हो, परस्यू करना चाहते हो, ठीक है, क्यों यही प्रोग्राम आप करना चाहते हो, तो इसका आपको आंसर खुद से बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि व्हाई डेवलपमेंट, ठीक है, व्हाई एमए इन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्हाई वांट टू परस्यू दिस एमए प्रोग्राम। कोई सा भी एमए प्रोग्राम में आप सिलेक्ट हुआ, तो आपसे पूछेंगे व्हाई यू वांट टू परस्यू दिस एमए प्रोग्राम। नेक्स्ट, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, तो वर्क एक्सपीरियंस में फिर क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में आपका रोल क्या था, ग्रॉस सैलरी पर ईयरली इनकम आपका देखेंगे, ठीक है। तो ये सब आपसे वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आप अगर वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट हो, तो आपको ये तो आप सारा आंसर कर पाओगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि वर्क एक्सपीरियंस में क्या पूछेंगे, जो जो आप करते हो वही पूछेंगे, ठीक है। फिर हाउ यू नो अबाउट APU, मतलब कि आप अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे जाने, ठीक है, या इस प्रोग्राम के बारे में कैसे जाने, एमए इन डेवलपमेंट के बारे में, या हमारे अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे जाने, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल देखेंगे कि जब आप एमए प्रोग्राम कंप्लीट कर लोगे, तो पाँच सालों बाद क्या करोगे आप, व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर 5 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ एमए प्रोग्राम, 5 साल बाद क्या करोगे आप, ठीक है, ये भी आपसे पूछेंगे। तो लॉन्ग टर्म गोल्स आप अपना तैयार कर लेना, ठीक है। हाउ दिस एमए प्रोग्राम अचीव टू योर कैरियर गोल, कुछ गोल होते हैं सभी के, स्टूडेंट के कैरियर गोल होते हैं, तो आपको दिस प्रोग्राम कैसे हेल्प करेगा टू अचीव योर कैरियर गोल, इसका आंसर आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, यू रीड एनी बुक, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ रहे, तो बुक कोई पढ़ना स्टार्ट कर दो, फेमस राइटर का रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है, सोशल साइंसेस से रिलेटेड कोई भी कोई बुक हो, पढ़ना शुरू कर दो। यू रीड एनी बुक, क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, ठीक है। गैप ईयर हो, तो गैप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट, प्रॉब्लम इशू एंड सॉल्यूशन रिलेटेड टू योर एमए प्रोग्राम। अब जैसे कोई स्टूडेंट एमए इन डेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया है, एमए इन पब्लिक पॉलिसी के लिए अप्लाई किया, तो करंट प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो जान के जानना बहुत ही ज़रूरी है।
और उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं. करंट चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, इशू एंड योर योर सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आप इन योर ओपिनियन, ठीक है, आपके मुताबिक. तो ये सब आपको पूछा जा सकता है. और लास्ट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम योर आंसर, क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम योर आंसर, क्वेश्चन जो भी होगा वो आपके आंसर से भी क्वेश्चन बना सकते हैं. जैसा कि आपने आंसर दिया है कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट का कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने आंसर दिया, तो उस आंसर से भी आपसे पूछेंगे कि आपने ये कहा और इसको आप डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो. तो क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम योर आंसर भी, क्वेश्चन आपके आंसर से भी बना सकते हो. तो इतना सब करके जाओगे, सारे क्वेश्चन का प्रिपरेशन करके जाओगे, तो आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है. फिर बाद में आपका देखा जाएगा कि आप सिलेक्टेड हुए हो कि नहीं, क्योंकि बहुत ही लोग सिलेक्ट होते हैं और आपको मेरिट लिस्ट में भी आना पड़ता है. तो उस मुताबिक आप इतना सारा प्रिपरेशन करके जाओ. जैसा कि आपका तो अब एग्ज़ामिनेशन हो चुका है एपीयू नेट, अब आपका पर्सनल इंटरव्यू ही बाकी है. तो अच्छे से पर्सनल इंटरव्यू का प्रिपरेशन करो और अच्छा स्कोर आया तो आपको एडमिशन भी डायरेक्ट मिल जाएगा. तो यही पर्सनल इंटरव्यू वीडियो था. बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रेशर देंगे आप पे. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है. तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ तो आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा. तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा. वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना.